हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू के कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप ये अंडे आलू का कोरमा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अंडे आलू का कोरमा। अंडे और आलू का कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। इसमें एक सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। और अंडों में यहाँ पर इस तरीके से मैं दो कट लगा लूँगी जिससे ऑयल में जाके फूटे ना और ग्रेवी में डालें तो इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे पांच अंडे उबाल करके रखे हैं। पांचों अंडों में कट लगा करके मैं यहाँ फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तभी हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। इस तरीके से फ्राई करेंगे तो अंडों के ऊपर एक बहुत ही अच्छी ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। तो बस इन अंडों को फ्राई कर लेते हैं। कुछ सेकेंड्स के लिए नीचे की साइड से इसे फ्राई होने दीजिए। उसके बाद पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ अच्छी सी कोटिंग आ गई है अंडे के ऊपर। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दो आलू लिए थे मीडियम साइज के उबले हुए और इनको बीच में से काट लिया है। तो ये चार पार्ट्स हो गए इसके। इन चारों आलूओं को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कोटिंग आने तक अंडों को भी फ्राई करेंगे। इनको निकाल लेंगे और अब ये बचा हुआ ऑयल जो है इसी के अंदर हम एक छोटी चम्मच जीरा और तीन लौंग ऐड करेंगे। लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस कोरमे में, तो आप लौंग ज़रूर ऐड करें। लौंग और जीरा जब चटकने लगेगा तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने पेस्ट बना के रखा है, इसको हम ऐड कर लेंगे। प्याज के पेस्ट को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब आप प्याज का पेस्ट डालें तो इस तरीके से इसे ढक्कन से ढक लें जिससे आपके ऊपर ऑयल के छींटे ना पड़े। तो बस इसको आप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्राउन कलर आ गया है। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें एक छोटी चम्मच भर के अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे भी एक डेढ़ मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच भर के लाल मिर्ची का पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक एक छोटी चम्मच भर के। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मिर्ची पाउडर भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मसाले को भूनना है। भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से भून के तैयार होंगे। एक चम्मच के बराबर मैंने इसमें पानी डाला और इसको फिर से मिक्स कर लिया। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भूना है और उसके बाद इसमें आलू और अंडे ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसाले में। 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए उसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास के बराबर पानी डाल रही हूँ इसमें। तो जितना शोरबा आपको इसमें रखना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर लें और इसके बाद इसको ढक करके हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ग्रेवी को अच्छे से उबलने देंगे, अंडों के अंदर तक अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट चला जाएगा। और उसके बाद फिर इसको आप ढक करके छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। हरा धनिया डालिए बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा डालिए इसमें गरम मसाला पाउडर। एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे और ये हमारे अंडे आलू का कोरमा बन के रेडी है। तो मैं आपको ग्रेवी भी दिखाती हूँ, ग्रेवी का टेक्सचर। और अंडे तो आपको दिख रहे हैं इतने अच्छे फ्राई हुए हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी अंडे और आलू का सालन बना है, अंडे आलू का कोरमा बना है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व करें, चावल के साथ खाएं या पूरी और नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप बनाएं इसे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।